तो ये बात जान करके आपको हैरानी जरूर से हुई होगी कि दुनिया में ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसकी लंबाई करीब 7 किलोमीटर है, और ये ट्रेन ऑपरेट करती है BHP जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इस ट्रेन में जो लोकोमोटिव इस्तेमाल हुआ है वो है GE का AC600CW जो कि एक डीजल लोकोमोटिव है, और एक लोकोमोटिव की यहाँ पावर आउटपुट जो है वो करीब 6000 HP की है। तो ऐसे ही 8 लोकोमोटिव्स पूरी ट्रेन को खींचने में लगाए गए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इतनी लंबी ट्रेन मतलब कि 7 किलोमीटर सोच के ही अजीब लगता है। कभी कभी तो हमारे देश में जो दो स्टेशन के बीच का जो दूरी होती है वो इतनी नहीं होती, और यहाँ पूरी ट्रेन की लंबाई करीब 7 किलोमीटर है। तो इतनी लंबी ट्रेन आखिरकार ऑपरेट कैसे होती होगी? तो दोस्तों यहाँ पे 8 लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल मतलब मल्टीपल यूनिट यानी कि एक से अधिक लोकोमोटिव का यूज। अब यहाँ पे हम दो तरीकों से ट्रेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला है पारंपरिक तरीका मतलब कि नॉर्मल तरीका, मतलब यहाँ पे जो 8 के 8 लोकोमोटिव्स हैं उनको ट्रेन के आगे की तरफ हम लगा के यूज कर लेंगे। दूसरा है पुशपुल टाइप या फिर बैंकर टाइप, मतलब यहाँ होगा ये कि जो कुछ लोकोमोटिव होंगे वो आगे की तरफ लगे होंगे और कुछ लोकोमोटिव्स बिल्कुल पीछे होंगे। पर इन दोनों ही तरीके से हम एक लंबी ट्रेन को ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही मुश्किल होगा एक लंबी ट्रेन को इन दोनों मेथड से ऑपरेट करने में। अगर बात करें पारंपरिक तरीके की, मतलब जो सारे लोकोमोटिव्स होंगे वो आगे की तरफ लगे होंगे, तो वहां पे जो कपलर के बीच में जो फोर्स होगा, जो सारे वैगन्स होते हैं जो उनके बीच का जो कपलिंग्स होती है, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाएगा, और ये फोर्स भी सारे कपलिंग्स में बिल्कुल सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, जिस कारण से ट्रेन की जो कपलिंग होती है, जो वैगन्स की कपलिंग होती है, उनके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज ये कि नॉर्मली ट्रेन्स में न्यूमेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है, मतलब एयर प्रेशर के जरिए ब्रेक्स अप्लाई होता है। आप यहां पे पाइप देख सकते हैं जो ट्रेन की पूरी लेंथ तक गई होती है। पाइप में एयर प्रेशर का सारा कंट्रोल लोकोमोटिव से होता है। अगर ट्रेन की लंबाई अधिक है तो जाहिर तौर पे एयर प्रेशर को चार्ज और रिलीज करने में बहुत वक्त लगेगा, जिसे ट्रेन के रुकने और फिर से चलने में काफी वक्त लगेगा, और साथ ही साथ जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, वो भी ज्यादा होगा। रही बात पुशपुल टाइप की, मतलब कुछ लोगों आगे होंगे और कुछ लोगों पीछे, तो हाँ यहाँ ये बेहतर होगा, मतलब कन्वेंशनल तरीके से बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन यहाँ अगर ट्रेन की लंबाई बहुत अधिक है तो ये जो मेथड है वो भी उतना कारगर साबित नहीं होगा। तो यहाँ पे एकदम लंबी ट्रेन्स के लिए सबसे अच्छा फॉर्मेशन ये होगा कि कुछ लोकोमोटिव्स आगे की तरफ होंगे, कुछ बीच में होंगे और कुछ पीछे होंगे। मतलब यहाँ पे जो लोकोमोटिव्स होंगे वो पूरी ट्रेन में एकदम इक्वली डिवाइडेड होंगे। तो ऐसे करके हम लोकोमोटिव्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं पूरे ट्रेन में। तो इससे होगा ये कि जो कपलिंग्स होती है उनके बीच का जो फोर्स होता है वो कम रहेगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इक्वल भी रहेगा पूरी ट्रेन में, और ब्रेक पाइप में जो एयर प्रेशर रिलीज और चार्ज करने में वक्त लगता है वो भी कम लगेगा। जिससे होगा ये कि जो ट्रेन की ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो तो कम होगी ही, साथ ही साथ जो कपलर्स के बीच का जो फोर्स है वो कम होने से जो कपलिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत रहेगी और पूरी ट्रेन को कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये तो बात हो गई ट्रेन के फॉर्मेशन का, पर ट्रेन का जो कंट्रोल होता है वो कैसे होगा? सबसे पहला मेथड है वॉकी टॉकी से, मतलब यहाँ होगा ये कि सभी लोकोमोटिव्स में लोको पायलट्स होंगे और सभी के हाथ में वॉकी टॉकी होगा, और जो मेन लीडिंग लोकोमोटिव होगा आगे की तरफ उसका जो लोको पायलट है वो सारे निर्देश देगा उन लोको पायलट्स को जो अलग अलग लोकोमोटिव्स में बैठे हुए हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे जो तालमेल होगा सभी लोको पायलट्स का वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे लोको पायलट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर एक छोटी सी गलती हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा मेथड है MU केबल का इस्तेमाल। यहाँ पे होगा ये कि सभी लोकोमोटिव्स में लोको पायलट्स का होना जरूरी नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक लोको पायलट पूरी ट्रेन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे MU केबल्स मतलब कि केबल्स का इस्तेमाल होगा सभी लोकोमोटिव्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। मतलब ये कि जितना बड़ा ट्रेन होगा उतनी ही लंबी केबल चाहिए होगी पूरी ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए। तो ये तरीका भी उतना कारगर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि जो वायर्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी वैगन्स की कपलिंग टूट जाती है, दो वैगन्स अलग हो जाते हैं, तो जो वायर है वो भी कहीं ना कहीं टूट जाएगा और जो कम्युनिकेशन है पूरे लोकोमोटिव्स का वो बिगड़ जाएगा। हाँ, वही अगर पारंपरिक तरीके में, मतलब अगर सारे लोकोमोटिव्स आगे की तरफ लगे होंगे तो वहां पे MU केबल से सारे लोकोमोटिव्स को कनेक्ट करना आसान होगा और अच्छा भी रहेगा, लेकिन यहाँ एक इतनी लंबी ट्रेन में MU केबल्स का इस्तेमाल करना सही बिल्कुल नहीं होगा। तो आखिरकार इन सभी लोकोमोटिव्स को एक साथ जोड़ने के लिए, एक साथ कंट्रोल करने के लिए एक ही नाम सामने आता है, और वो है DPWCS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम। यहाँ होता ये है कि सारे लोकोमोटिव्स रेडियो फ्रीक्वेंसी से एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ सिर्फ एक मेन लोकोमोटिव का लोको पायलट पूरे लोकोमोटिव्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, और वो भी वायरलेसली। GE इलेक्ट्रिक ने पहली बार इस तरह के सिस्टम का यूज किया था जिसको वो
लोको ट्रोल कहता है। इस सिस्टम में कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कंट्रोल कम्युनिकेशन यूनिट यानी कि CCU, जो मेन कंपोनेंट होता है जिससे सारे लोकोमोटिव एक साथ जुड़े होते हैं, और यही वो मेन कंपोनेंट होता है जो दूसरे लोकोमोटिव्स में लोको पायलट ना होने के कारण भी उसके सारे कंट्रोल्स को हैंडल करता है। अगर मेन लीडिंग लोकोमोटिव में ट्रेन की रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर पे सेट करते हैं, ज्यादा हो गया कुछ, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे सेट करते हैं, तो बाकी के जो दूसरे लोकोमोटिव्स हैं उनकी स्पीड भी एकदम सेम यही होगी। तो इसी तरह से ब्रेकिंग की इन्फॉर्मेशन हो गई, कपलिंग्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सभी चीजें सारे लोकोमोटिव्स में एक साथ CCU के हेल्प से कंट्रोल की जा सकती हैं। दूसरा कंपोनेंट है ड्राइवर इंटरफेस यूनिट यानी कि DIU। ये एक छोटा सा टच डिस्प्ले होता है जो कि मेन लोकोमोटिव में लगा होता है, और लोको पायलट सभी लोकोमोटिव्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस डिस्प्ले पे देख सकता है, और साथ ही साथ दूसरे लोकोमोटिव्स को यहां से जो निर्देश है वो भी दे सकता है। इसके साथ साथ इस पूरे सिस्टम में जो रेडियो मॉडम होते हैं, एंटीना होते हैं, वो भी लोकोमोटिव्स में लगे होते हैं, जिससे जो कम्युनिकेशन होता है पूरे लोकोमोटिव्स का वो स्थापित होता है। तो इस तरीके से लंबी ट्रेन्स को भी, चाहे कितने भी लोकोमोटिव्स में क्यों ना लगे हों, हालांकि एक लिमिटेड नंबर होता है, लेकिन फिर भी एक लंबी ट्रेन को इस सिस्टम से आसानी से चला सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।